सर विस्तार बुक का चैप्टर 7 जिसका नेम है एडवांस ट्राइज ओ लेवल। क्या आपने कभी किसी प्रिजनर को सुना है कि कोई ओ लेवल का एग्जाम देना चाहता है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहता है या कोई वो आगे फर्दर स्टडी करना चाहता है, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या उनको अलाउड होता है? जी हाँ, बिल्कुल अलाउ होता है। अगर कोई भी प्रिजनर कोई एग्जाम देना चाहता है तो ये उसका राइट बनता है। एजुकेशन राइट सबका होता है तो इनका भी होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो प्रिजनर है इवांस, वो यहाँ पर एग्जाम देना चाहता है ओ लेवल का, तो क्या वो सच में पढ़ना चाहता है या इसमें में इसकी कोई चाल छुपी है? तो हम चलते अपने चैप्टर की तरफ कि कैसे यहाँ पर इवांस अपनी पूरी प्लानिंग करता है और लास्ट में क्या वो सक्सेस हो पाता है या नहीं होता है। सो लेट्स बिगिन द लेसन। फॉर फर्दर स्टडी, फॉर फर्दर वीडियोस, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स बिगिन द लेसन। द वेरी फर्स्ट ऑल द कैरेक्टर्स, यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स हैं आपके? इवांस जो कि प्रिजनर है, जो यहाँ पर ओ लेवल का एग्जाम देना चाहता है और यही अपनी प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे इसको प्रिजन से भागना है। नेक्स्ट है यहाँ पर जैक्सन एंड स्टेफन, ये इसके टू असिस्टेंट जो हैं होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, जो इसकी स्पेशल सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पे गवर्नर है जिसके अंडर में यहाँ पर इवांस को रखा जाता है और ये है आपके यहाँ पर स्टुअर्ट मैक्लेरी, जो की एग्जाम को उसके कंडक्ट करने के लिए उसको ड्यूटी दी जाते हैं। यहाँ आपके मेन कैरेक्टर्स। अब चलते हैं हम अपने लेसन पे। यहाँ पर जो इवांस है, जैसे आपने देखा इवांस ओ लेवल का एग्जाम देना चाहता है, तो वो यहाँ पर गवर्नर को बोलता है कि उसे जो है एग्जाम देना है तो उसको यहाँ पर परमिशन दिलवाई जाए। तो सबसे पहले आपका चैप्टर शुरू होता है जिसमें आपको जो है देखने को मिलता है कि जो एग्जामिनेशन इंचार्ज है उसको कॉल किया जाता है गवर्नर के द्वारा। मींस गवर्नर जो है वो प्रिजन का, ऑक्सफोर्ड प्रिजन का जो गवर्नर होता है, वो यहाँ पर कॉल करता है एग्जामिनेशन इंचार्ज को और बोलता है कि हमारे यहाँ पर एक प्रिजनर है और वो जो है यहाँ पर एग्जाम देना चाहता है। तो जैसे वो एग्जाम देना चाहता है तो हमें उसकी सेफ्टी भी चाहिए, तो हम चाहते हैं कि उसके एग्जाम को प्रिजन में ही कंडक्ट करवा ले। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन हेड होता है, एग्जामिनेशन इंचार्ज होता है, वो पूछता है इवांस के बारे में कि क्या इवांस ज्यादा डेंजरस पर्सन है। तो यहाँ पर जो गवर्नर है वो कहता है कि नहीं नहीं, वो ज्यादा डेंजरस तो नहीं है, वो 3 बार he has broken the prison 3 times and that's why he is known as Ivan's the ब्रेक। यहाँ पर जो है लोग इसको इवांस द ब्रेक के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर इवांस ने 3 बार जेल तोड़कर भागने की कोशिश भी की है, लेकिन वो जो गवर्नर होता है वो बताता है कि एग्जामिनेशन इंचार्ज को कि यहाँ पर जो इवांस है वो ज्यादा खतरनाक नहीं है। He was just only in the habit of stealing since birth। तो कहते कि वो जन्म से ही जो है वो कुछ चीजें चुराने की हैबिट में है, इसीलिए जो है वो यहाँ पर प्रिजन में है, बाकी वैसे इसका कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। तो जब एग्जामिनेशन बोर्ड इंचार्ज को तसल्ली हो जाती है इवांस के बारे में, तो वो कहता है कि ठीक है, हम आपके इस प्रिजनर का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा देंगे। तो अब उसके एग्जाम के लिए तो परमिशन मिल जाती है और सेटलमेंट भी हो जाता है कि चलो भाई यहाँ पर जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएगा जेल के अंदर, लेकिन अब उसको फर्दर स्टडी तो करनी थी, उसको कुछ मटेरियल दिलवाना था और साथ ही साथ यहाँ पर जो इवांस था उसके लिए जो वो ट्यूशन क्लासेस में उसको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कोई ट्यूटर तो चाहिए था, बिना ट्यूटर के वो कहाँ पे कैसे करता, तो यहाँ पर इसको एक ट्यूटर भी प्रोवाइड करवाया गया और ये जो ट्यूटर था इसको पढ़ाने आता था शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे। और यहाँ पर जो है किसी को भी शार्प टूल जो है वो लेके आना अलाउड नहीं था क्योंकि यहाँ पर इवांस किसी भी शार्प टूल का यूज करके जेल से भागने की पूरी कोशिश कर सकता था। तो अब यहाँ पर वो एग्जामिनेशन डे आ जाता है जिसपे मैक्लेरी को इंचार्ज मिलशिप मिलती है कि आपको जो है वो इवांस का एग्जाम कंडक्ट करवाना है। तो जो मैक्लेरी होता है अपने घर से वो निकल ही रहा होता है अपने सूटकेस में रबड़ रिंग रख के, करेक्शन स्लिप रख के और बहुत से सामान, क्वेश्चन पेपर वगैरह रख के, जिससे कि वो एग्जाम को वहां पे कंडक्ट करवा सके। लेकिन होता क्या है, इवांस के बहुत सारे लोग होते हैं, इवांस जो है वो इतना बड़ा गैंग से बिगिन करता है कि उसके गैंग का ही एक आदमी मैक्लेरी के घर पे पहुंच जाता है और वो जाकर के उसके जो है हाथ पैर बांध देता है और उसके सूटकेस को लेकर के और बिल्कुल मैक्लेरी की तरह वो अपने आप को डिस्गाइज करके यहाँ पर प्रिजन में आ जाता है। अब जो प्रिजन में वहां पर मैक्लेरी को किडनैप कर लिया जाता है और फेक मैक्लेरी वो है आने की तैयारी में होता है और वो थोड़ा सा लेट भी हो जाता है तो एग्जाम थोड़ा लेट शुरू होता है। अब यहाँ पर कुछ प्रिक्यूशन किए
जाते हैं इवांस के एग्जाम से पहले। वो क्या क्या होते हैं? इवांस को जो है वो सी विंग से डी विंग में शिफ्ट कर दिया जाता है एक नई प्रिज्म के विंग के अंदर, और यहाँ पर उसको जो है वो शेविंग करने के लिए कहा जाता है। साथ ही साथ उसको बोलते हैं कि अपनी डर्टी हेड को हटा लो, आज तो एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर इवांस कहता है कि यही तो मेरी लकी कैप है, इस लकी कैप की वजह से तो मुझे बहुत सी चीजें अच्छी हो जाती है मेरी, ये मेरा लकी कैप है, मैं इसको नहीं उतारूंगा। तो इवांस की जो है यहाँ पर शेविंग की जाती है, उसकी जो है यहाँ पर उसको बात करवाया जाता है, नहलाया जाता है और बहुत अच्छे से उसको जो है मेंटेन किया जाता है क्योंकि आज उसका एग्जाम होने वाला है। अब इवांस जो है एग्जाम देने के लिए जो है वो प्रिजन में बैठ जाता है। जैसे वो बैठता है मैक्लेरी भी यहाँ पे आता है, और मैक्लेरी स्टेफन और यहाँ पर जो है इवांस प्रिजन के अंदर होते हैं। तो इवांस कहता है कि मैं जो हूँ वो इनकी प्रेजेंस में कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, मुझे तो लिखा ही नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ? ऐसा करो पुलिस ऑफिसर को यहाँ से बाहर निकालो। और ठीक है मैक्लेरी को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैक्लेरी और मैं दोनों बैठ करके हम दोनों मैं इनकी प्रेजेंस में एग्जाम दे दूंगा। ठीक है भाई। अब जो है वो गवर्नर उसकी बात को मान लेता है और कहता है कि ठीक है तुम स्टेफन बाहर आ जाओ, तुम बाहर से अपनी ड्यूटी दो। तो जैक्सन और स्टेफन दोनों बाहर जो वो राउंड लगाते रहते हैं प्रिजन के, और इवांस यहाँ पर एग्जाम दे रहा होता है। एकदम से इवांस को ठंड लगती है और वो कहते हैं कि मुझे एक ब्लैंकेट चाहिए, मुझे ज्यादा ठंड लग रही है क्योंकि ये जो था वो विंटर का टाइम था। अब इवांस को ब्लैंकेट दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी जैक्सन और स्टेफन दोनों के दोनों को डाउट होता है कि कहीं ये जो है कोई ना कोई प्लानिंग ना कर रहा हो। तो थोड़ी देर के बाद जो है जब उसका एग्जाम ओवर हो जाता है तो मैक्लेरी को यहाँ से जाने के लिए बोल दिया जाता है, जैसे क्योंकि एग्जाम लेट शुरू होता है तो थोड़ा सा लेट ही वो ऑफ भी होता है। उसके बाद मैक्लेरी को गेट तक छोड़ने जाते हैं। गेट में छोड़ने के बाद उसके बाद जो है वो स्टेफन जैक्सन जैसे ड्यूटी पर होते हैं, तो यहाँ पर वो चाहता है कि क्यों ना मैं जो सीक्रेट होल है उसमें से जाकर के मैं देख लूं कि इवांस अंदर कर क्या रहा है। तो जैसे वो सीक्रेट होल में से जाकर के अंदर देखता है तो देखता है कि अंदर जो है वो ब्लैंकेट में एक आदमी जो है वो बैठा हुआ है, और लेकिन वो ऐसे थोड़ा सस्पिशियस सा बैठा होता है। एकदम से वो सोचता है कि चाय पीने से पहले चलो मैं अंदर चल के देख लेता हूँ। जैसे वो अंदर जाता है देखता है तो वो देख करके बहुत घबरा जाता है कि जो इवांस था वो यहाँ पर नहीं था, मैक्लेरी जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है और इवांस जो है प्रिजन तोड़कर भाग चुका है। अब जो है वो एकदम से यहाँ पर सायरन बज जाता है, पूरी लोकअप के अंदर हड़बड़ी मच जाती है कि इवांस जो वो भाग गया है। तो गवर्नर परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जब एग्जाम चल रहा होता है तो वो एक सीक्रेट माइक को भी फिट कर देते हैं, लेकिन इवांस और मैक्लेरी दोनों के दोनों कोड वर्डिंग में बात करते हैं, वो एकदम से डायरेक्टली बात नहीं करते और वो क्वेश्चन पेपर करेक्शन स्लिप के बारे में जस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर उसको कोई क्लू नहीं मिल पाता। यहाँ पर गवर्नर कहता है मैक्लेरी को कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता हूँ क्योंकि तुम भी जो यहाँ पर घायल हो गए हो, क्योंकि उसकी दाढ़ी से जो है वो खून टपक रहा था। अब मैक्लेरी कहता है कि नहीं नहीं मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं भी इवांस को पकड़वाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो गवर्नर कहता है कि ठीक है चलो तुम हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन तुम्हें पहले हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। तो ज्यादा रिक्वेस्ट जैसे गवर्नर करता है तो वो उसको भेज देता है कि ठीक है तुम जाओ और अपना इलाज करवाओ। अब जैसे वो अपना इलाज करवाने के लिए जाता है उसके बाद गवर्नर सोचता है कि दिस इज माई ड्यूटी टू आस्क अबाउट द मैक्लेरी, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं मैक्लेरी के बारे में पूछूं कि मैक्लेरी अब सही है या नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में फोन किया जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर कोई मैक्लेरी नाम का पर्सन नहीं आया है। तो जैसे ही गवर्नर को पता चलता है गवर्नर मैक्लेरी के घर पे पहुंचता है और जाकर के देखता है कि जो एक्चुअल जो रियल मैक्लेरी था उसको तो वहां पर बांध के रखा हुआ था, उसके मुंह पर पट्टी लगी हुई थी, उसको पूरी तरह से बांध कर रखा हुआ था। तो गवर्नर यहाँ पर सरप्राइज हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो गवर्नर को अब सारी बात समझ आ जाती है कि जो एक्चुअल में पहले प्रिजन से निकला था वो रियल में ही मैक्लेरी था, जो एग्जाम देने के लिए आया था, मींस जो फेक मैक्लेरी बन के आया था, जो प्रिजन के अंदर आया था वही प्रिजन से बाहर भी गया है, जिसको उन्होंने मैक्लेरी सोचा था वो तो इवांस ही था जो लास्ट में हॉस्पिटल के बहाने से भाग जाता है। अब यहाँ पर रियल मैक्लेरी को खोल दिया जाता है और वो चलते हुए अपने सर्च पे। अब यहाँ पर उसको गवर्नर को एक करेक्शन स्लिप मिलती है और वो जर्मन लैंग्वेज में लिखी होती है, जो कि सिर्फ किसको आती है, गवर्नर को थोड़ी बहुत जर्मन आती है, तो वो पढ़ लेता है कि उसकी प्लानिंग क्या है। अब क्या करता है गवर्नर जाता है, उससे पहले जो है
गवर्नर पहले जाकर के इस होटल में बैठ जाता है। रिसेप्शन पे जो है वो इवांस पहुंचता है। इवांस जैसे ही पहुंचता है रिसेप्शन पे तो रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है, वो उसकी तरफ आई ब्लिंक करती है, आंख मारते हुए कहती है कि आ गए। तो यहाँ पर इवांस कहते हैं कि आई वॉन्ट की ऑफ माई रूम। यहाँ पर की ऑफ रूम, यहाँ पर जो कीज होती है वो लेके अपने रूम में चला जाता है। और जैसे ही अपने रूम का वो डोर खोलता है और अंदर जा करके बैठने के लगता है तो एकदम से देखता है कि ऑलरेडी उसके बेड पर कौन बैठा हुआ था, गवर्नर बैठा हुआ था। वो शॉक्ड हो जाता है कि पहले मेरे रूम का लॉक था, बंद था, और अंदर जो है वो गवर्नर कैसे आ गया। तो गवर्नर कहता है कि आओ, मुझे तुम्हारा इंतजार था। तो अब यहाँ पर इवांस कहता है कि तुम्हें इस होटल का, इस रूम का कैसे पता चला। तो कहता है कि जिस करेक्शन स्लिप से तुम जो हो यहाँ पर लिख रहे थे, तुमने अपने पेपर में लिखा, तो मुझे समझ आ गया, क्योंकि उसके अंदर जो है वो 271 और 313 जो है वो नंबर यूज किया गया था। और अगर इन दोनों कोड वर्डिंग को मिला दिया जाए तो यहाँ पर बनता है एक होटल का नेम और सिटी का नेम। तो मिस गोल्डन लॉयन होटल जो है इसका नेम बन जाता है सीक्रेट कोड में। तो इसलिए वो कहता है कि मुझे पता चल गया था, क्योंकि मुझे जर्मन लैंग्वेज पढ़नी आती है। तो इवांस अब यहाँ पर फंस जाता है। तो कहते हैं अब तुम्हारे भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, अब तुम चलो। अब यहाँ पर जो है करेक्शन स्लिप से उसको पता चल गया था कि गवर्नर को कि इवांस जो है उसकी प्लानिंग क्या थी। अब गवर्नर यहाँ पर क्या करता है, वो उससे इवांस से पूछता है कि अच्छा और तो सारी बातें सही है, मुझे ये बताओ कि दाढ़ी पर जो खून था वो कैसे लगा। तो इवांस बताता है कि ये जो है वो बूचर हाउस से लेके आए थे, ये पिग्स का ब्लड था और साथ में उसका ह्यूमन बीइंग का ब्लड भी उसमें मिक्स कर दिया गया था ताकि ये जमे ना, और इस ब्लड को ही उसने दाढ़ी पर लगा लिया था। इस दाढ़ी को किस में लेके आए थे, रबर रिंग में डाल करके लेके आए थे। अब जो है वो इवांस को कहते हैं कि पुलिस को बुलाया जाता है, कहते कि इसको अरेस्ट करो और तुम यहाँ पर इसको प्रिजन में लेके चलो। यहाँ पर जो न्यू पुलिसमैन होता है इसको हैंडकफ कर देता है, इसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है और इसको जो है वो लेके चलता है। अब जो इवांस है वो अलग गाड़ी में जाता है और गवर्नर यहाँ से अलग गाड़ी में जाता है। जैसे ही इवांस कुछ दूरी पे जाता है तो यहाँ पर जो ये ऑफिसर होता है वो ऑफिसर इससे पूछता है कि यस सर, वेयर शुड आई स्टॉप द कार, मुझे मैं कार कहाँ पे रोकूं, क्योंकि पुलिस मैन भी इसका अपना ही एक आदमी होता है, ये भी उसके गैंग का ही अपना ही आदमी था। तो जैसे वो बोलता है, कहते हैं कि न्यूबरी, और इसको जो यहाँ पर न्यूबरी पर रोक दिया जाता है, न्यूबरी से वो यहाँ पर फरार हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पर इवांस भागने में सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होती है। यहाँ पर जो ट्यूटर होता है, यहाँ पर जो ट्यूटर होता है इसको पढ़ाने के लिए आता है, वो भी इसका ही एक अपना आदमी होता है जिसके जरिए वो यहाँ पर प्लानिंग करता रहता है। फेक मैक्लेरी जो प्रिजन के अंदर एग्जाम लेने आता है वो भी इवांस का ही आदमी होता है। और लास्ट में होटल के अंदर जो उसको हैंडकफ करता है वो भी उसका ही अपना आदमी होता है। तो यहाँ पर इवांस की बड़ी स्ट्रांग प्लानिंग होती है जिससे कि यहाँ पर वो जो है हर किसी से बच के निकल जाता है और फाइनली वो यहाँ पर भाग निकलता है, प्रिजन तोड़ने में वो सक्सेस हो जाता है।